आपको लगता है कि रंगमंच से मुझे समाज बदलना है, उस मकसद सही है, लेकिन मकसद आते ही क्लियर रखिए। और आपकी जो कमजोरियां हैं आपको मालूम है, अपना मूल्यांकन हम स्वयं कर सकते हैं। अगर आप अच्छा अभिनेता बनना चाहते हैं तो अभिनेता के पास क्या है, उसका शरीर और उसकी भाषा। अब इस शरीर और भाषा में जो कमजोरी आपको लगता है, आपका डिक्शन सही नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग से आप ठीक करें, लगातार उस पर काम करें। केवल नाटक मंच पे आके नाटक डायलॉग चार लाइन बोल लेना या इधर उधर भाग लेना ही अभिनेता की तैयारी नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि रंगमंच से जुड़े आए, ईमानदारी से आए रंगमंच पे। अब जिनको पार्जन भी है, आज बहुत समय बदला है, रंगमंच में ऑप्शन है, बस आप पे निर्भर कर सकता है। और दूसरी चीज, मानसिक रूप से समृद्ध होना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, देश दुनिया में क्या हो रहा है जानना पड़ेगा, थिएटर के टेक्निक्स, अच्छे साहित्य से जुड़ाव, अच्छे देखने की आदत डालना है। आप अच्छे पेंटिंग देखो, सौंदर्य बोध हमारा कैसे डेवलप हो, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तब एक अच्छा कलाकार बनेंगे। क्योंकि देखना, सुनना और बोलना बहुत जरूरी है। तो अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा समझ में आए। हम साहित्य क्यों पढ़ते हैं, लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, लेकिन एक किताब अगर प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा है, उनका जो अनुभव है, उनका लाइफ, वो आपके साथ जुड़ता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को कितना बढ़ा सकते हैं, और जो जितना जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके जो मेमोरी में कैप्चर होगा, वो उतना ही अच्छा आर्टिस्ट होगा। और रंगमंच आइए, प्रेम से आइए, बस क्लियर रखिए शुरू से कि मुझे क्यों करना है। अब अछूता नहीं है विधा, रंगमंच सम्मान की विधा है, रंगमंच हिम्मत वालों की विधा है। आप हिम्मत करके आइए और हिम्मत करके आप कीजिए, और बाकी हम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए। नमस्कार, स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। स्टॉप टीवी पर ख्याति लब्ध कलाकारों और साहित्यकारों की संपूर्ण जीवन संघर्ष यात्रा को मिलता है, और इस कड़ी में अनेक लोगों की ये संघर्ष यात्रा आप देख भी चुके हैं। आज हमारे बीच एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति लब्ध कलाकार, और जो NSD से 2006-09 के छात्र रहे हैं, वहां से पास आउट है, आपको आप हैं श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टॉप टीवी स्टूडियो में। आपको बिहार सरकार द्वारा भिखारी ठाकुर युवा सम्मान से नवाजा गया, संगीत नाटक एकेडमी ने भी बिस्मिल्ला खान सम्मान से इन्हें सम्मानित किया, महिंद्रा एक्सलेंट अवार्ड भी इनको बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला, फेलोशिप में तो जूनियर फेलोशिप तो बहुत पहले मिला था, इस बार सीनियर फेलोशिप भी मिला है। प्रवीण जी आपको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में ये विभिन्न राज्यों के, खास करके मैं जो NSD द्वारा या इनका खुद के द्वारा जो आयोजित वर्कशॉप होते हैं, वर्कशॉप उसमें ये लगातार भाग लेते रहे हैं, और वहाँ उसके फेस्टिवल्स में भी इनकी भागीदारी रही। बेगूसराय में ये राष्ट्रीय ये नाट्य महोत्सव लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं रंगमंडल के द्वारा। आप बांग्लादेश और नेपाल आदि दूसरे देशों में भी अपने नाटकों को लेके गए हैं, जो नाटक काफी प्रशंसित हुए हैं और चर्चित भी हुए हैं। तो प्रवीण जी, आपका फिर से मैं स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी संपूर्ण यात्रा, खास करके सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये यात्रा कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, और आपके प्रेरणा के स्रोत क्या क्या रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर पतंग सर का और स्टॉप टीवी का, जो आपने मुझे बुलाया। मैं पिछले कुछ एपिसोड लगातार देख रहा हूं आपका, और सर जिस इस तरह से हम जैसे युवा और सर, क्योंकि लंबे समय से रंगमंच से जुड़े रहे हैं, रंगमंच को गंभीरता से जानते हैं, और सर जब बुलाते हैं और उनसे बातचीत करना हमारे लिए बहुत ही एक उपलब्धि समान है। बाकी तो इंटरव्यू साक्षात्कार देते रहते हैं, लेकिन क्योंकि पतंग सर हमारे प्रेरणा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आऊंगा बेगूसराय बाद में, मेरे गांव में, मैं पटना का रहने वाला था,
गांव में लंका कछुआरा गांव है हमारा, वहां दुर्गा पूजा के अवसर पे नाटक वगैरह हुआ करते थे। उसमें मेरे पापा दादा चाचा ये लोग सब लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो बचपन बाल मन पे ये मानस पटल पे ये अंकित था और शायद उसका प्रभाव रहा कि मैं गांव के नाटकों में धीरे धीरे भाग लेना शुरू किया छोटे छोटे स्तर पे। इस दौरान मेरे पापा का सर्विस बेगूसराय सिविल कोर्ट में उनका नौकरी हुआ और बचपन से ही बेगूसराय आना हो गया, मतलब 8-9 क्लास में हम रहे होंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक और बहुत ही एक ट्रूथफुली या बहुत ही अर्थवान एक वाक्य जिक्र करूंगा, क्योंकि कलाकार जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ छिपा होता है, या वो कहते हैं ना कि प्यासा प्यासा को प्यास लगता है तो वो कुआं खोज लेता है। तो मैं गांव में थिएटर करता था, कोई थिएटर को लेकर जानकारी नहीं थी, मैं बेगूसराय शहर में बगल में पोखरिया में रहा करता था और वहां से सब्जी लाने के लिए मैं मार्केट गया। दिनकर भवन से गुजर रहा था तो वहां नाटक का एक बैनर था, वो नवतरंग जो सरकार संस्था है वही नाटक था, नवतरंग का बैनर था। नाटक कुत्ते था इकबाल मजीद का और मनोरंजन मधुकर उसके निर्देशक थे और सर उसके सब नवतरंग के तो देख लेख सर ही करते थे। तो मेरे अंदर वो था कि हम गांव में नाटक करते हैं और कोई बाहरी नाटक की मेरी धारणा नहीं थी, तो मुझे लगा गांव में तो लोग फेस्टिवल में नाटक देखने ऐसे आते हैं। तो वहां टिकट यहां बेगूसराय में लगा हुआ था, मिनिमम टिकट था 5 रुपए का, पता नहीं मैं नाटक देखना चाहता था। उस समय मैं सब्जी उब्जी खरीद चुका था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे ये नाटक देखा कि कुत्ते इस तरह के हॉल में नाटक हो रहा, मैंने हॉल में कभी देखा नहीं था, तो बहुत इच्छा जागा। तो मैंने एक ड्रामा किया, ड्रामा कहे या अंदर इच्छा थी देखने की, तो उसके लिए बहाना किया कि मैं भी नाटक करता हूं, एक नाटक वाला को अब नाटक क्यों नहीं देखने देंगे। तो शायद ये बात पतंग सर तक पहुंचा, उन्होंने मैं देखा पहली बार उनको देखा उस दिन गेट पर, उन्होंने अपने पॉकेट से वो 5 रुपया निकाला और वो गेट वाले को दिया कि आप इनको आने दो टिकट। वो जो सर ने वो 5 रुपया दिया वो इतना ज्यादा प्रभाव डाला मुझे, और मैं आज भी जब लोग थिएटर को मतलब उस तरह से नहीं लेते हैं गंभीरता से, लोग सोचते हैं कि फ्री है खोला हुआ है चलो मेला ठेला है की तरह ले लेते हैं, लेकिन उस समय ये लगभग 1994 या 1995 की बात है, उस समय एक आम दर्शक जो नाटक देखना चाहता है 5 रुपया मात्र राशि है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं नाटक देखूंगा। पतंग सर का वो पॉकेट से, क्योंकि उन्हीं का संस्था था, वो नहीं भी दे सकते थे पैसा, वो मेरे अंदर आने दे सकते थे, लेकिन वो जो एक सीख था कि आर्ट कला या कोई प्रदर्शन हो रहा उसका जो महत्व है वो हल्के में न हो, इसलिए मुझे लगा वो 5 रुपया सर का देना मेरे को बहुत प्रभाव किया और मैं लगातार उसके बाद नाटक ने बहुत प्रभावित किया मुझे। तो वो नाटक देखा मैंने बहुत प्रभावित हुआ और मैं उसके बाद नाटक करने के लिए मैं नवतरंग पहुंचा कि मैं करना चाहता हूं, ज्वाइन करना चाहता हूं। और इससे जुड़ा एक वाक्य मैं अभी बोल देता हूं क्योंकि वो बात छूट जाएगा। तो मैं जब रंगे माहौल करता हूं तो उसमें मैं टिकट रखता हूं, क्या बिना टिकट के हम नहीं देखने, चाहे मैं परिवार या कलाकार के परिवार का सदस्य क्यों ना हो। आप 10 रुपए का पान खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, ये कर ले रहे, टिकट देखने में क्या दिक्कत है। तो एक बार मेरी माँ और मेरी पत्नी सब टिकट कटा के आ रही थी, लेकिन पत्नी थोड़ा पीछे छूट गई थी, माँ अंदर घुस गई थी, टिकट मेरी माँ के पास था और उस समय मैं गेट पे कई लोगों को मैं रोक चुका था। तो गेट के लोग ने सोचा कि मेरी ही पत्नी है, भैया की पत्नी है, भाभी है, तो इसको नहीं पूछा किसी ने, और उसके बाद टिकट न होके, अब मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा कि अभी लोगों को मैंने रोका है, पत्नी के नाम पे क्यों जाएगी। तो मैंने उसे डांटा, क्यों ऐसा क्यों, मैं टिकट दिखाओ। अब वो स्वामी गृहिणी है, घर की घर में रहने वाली है, वो अचक गई, उसको टिकट मम्मी तो आगे लेकर चले गए थे। मैंने गुस्सा किया और तो उसे गेट से लौटा दिया, इसके कारण घर में बवाल भी हुआ, क्योंकि यह मैसेज देना चाहते थे कि 5 रुपया 10 रुपया ये लगता है ये जो सीख था उस दिन मैंने पत्नी को डांटा या बोला मना किया, वो लगता है वो जो मेरी पहली टाउन हॉल की एंट्री थी और वो पतंग सर का जो प्रभाव था, नवतरंग का प्रभाव था, वो दोनों का कनेक्शन है उससे। और क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं यार ये नाटक वो 5 रुपए का इतना प्रभाव था, अब मैं उसमें थिएटर को कुछ नहीं जानता था, मुझे ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कैपेसिटी भी नहीं मालूम था, बस मैंने ऐसी चीज कहा सर इसका मैं पटना में शो करवाना चाहता हूं। और पटना में हमने इसका अपने बल पे बिना कोई सहायता के, उसमें दर्शक उर्शक कम आए होंगे, लेकिन हमने पटना कालिदास संग्रहालय में कुत्ते का मंचन करवाया,
मेरे चाचा बहादुरपुर में रहते थे, वहां खाना पीना का व्यवस्था किया चाचा जी ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं चाहता था कि मैं इस नाटक को वहां पटना में शो करवाऊं। उसके बाद धीरे धीरे जुड़ गया। और मैं बता दूं कि पहला जो नाटक मैंने बेगूसराय में किया, शायद वो भूल गए होंगे लोग, वो खम्हार में कोई फंक्शन था, दुर्गा पूजा कोई समारोह था, उसमें शो होना था, और नौतरंग का जट जटीन और कई नाटक थे, उसमें एक आज का सच नाटक भी होने वाला था। तो उस नाटक में मैंने छोटी सी भूमिका, संतोष मन्ना ने उसको डायरेक्ट किया था, छोटी सी भूमिका मैंने किया था, और उसमें पतंग सर की छोटी जो लड़की थी रिंकी, रिंकी है ना, रिंकी भी काम करती थी। तो इस तरह से थिएटर से जुड़ना हुआ, और लगातार तो मुझे लगता है कि हमारी जो जर्नी है, लंबे समय की जर्नी है, उसमें नवतरंग और पतंग सर ऐसे कलाकारों का बहुत योगदान रहा। और बाद में हम लगातार सर से बात करते रहे, जुड़ते रहे, लगातार अलग अलग काम करते, लेकिन सर से टच में हमेशा रहा। और हमें बेगूसराय का रंगमंच जो आज समृद्ध है, आज राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, उसका मेन कारण कि सर लोगों ने नींव बनाया, जो जमीन बनाई, उस जमीन पे हम लोगों ने काम किया। अगर वो जमीन नहीं होती तो शायद बेगूसराय का रंगमंच आज इतना स्ट्रांग नहीं होता। और आपने उसके बाद तो यहाँ उस समय एक्सपेरिमेंटल थिएटर बनाया, उससे काफी काम किया, फिर NSD आप कॉम्पीट किए, तो और लोगों को तो जो खुशी हुई होगी हुई ही, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि चलिए भाई प्रवीण जी NSD गए, और फिर उसके बाद आपका कारवां निकल पड़ा, और आप इस पड़ाव को किस तरह से और आगे बढ़ाते रहे, इस पर आप थोड़ी सी चर्चा। तो ये तो तय हो गया था कि जब रंगमंच से जुड़ा तो रंगमंच ही करना है, दूसरा काम भूल चुका था, और पता नहीं ये कहां तक जाएगा रंगमंच मेरा, ये कुछ सोच के नहीं था, लेकिन करता गया लगातार। और रास्ते हमने खुद खोजे, हमने रास्ते जहां जहां में रास्ता दिखा मैं उस तरफ चलता है, लेकिन एक हमेशा कोशिश है शुरू से, और वो मैं अंतिम समय तक मैं वो कायम रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो मैं निभा पाऊं, कि रंगमंच मेरे लिए सर्वोपरि है, वही मेरा विचार है, वही मेरा धर्म है, रंगमंच का जो बेहतर हो, रंगमंच मैं हमेशा गंभीरता से करना चाहता हूं, और रंगमंच के लिए मैं कैजुअल अप्रोच नहीं चाहता। और इस दौरान मैं थिएटर करता रहा, कई नाटक किए, मतलब मैं थिएटर बहुत जल्दी निर्देशन शुरू कर दिया, मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, एक बेगूसराय में एक्सपेरिमेंटल थिएटर करके ग्रुप बनाया, उससे हमने कई कार्यक्रम किए, कई समारोह किए, नाटक किए, उससे हमने जगदीप चंद माथुर के नाम से दो सम्मान भी शुरू किया, जो पतंग सर, प्रदीप बिहारी, अवधेश जी, कई लोगों को मैंने दिया। मैंने हमेशा शुरू से ये, मतलब ये आज मैं सम्मानित नहीं कर रहा हूँ लोगों को, ये मेरी शुरू से सोच थी कि रंगमंच जो इस विधा में है, उस विधा को एस्टेब्लिश होना है, उस विधा को सम्मान मिलना है। अगर जैसे डॉक्टर का डॉक्टर पेशा है, उस पेशा को सम्मान है, तो इसलिए डॉक्टर के लिए सम्मान है, शिक्षा एजुकेशन का सम्मान है, इसलिए टीचर के लिए सम्मान है। तो हमें लगता था कि रंगमंच को भी सम्मान मिले, रंगमंच करने वाले लोग बड़े रूप से समाज में एक्सेप्ट किए जाए, ये शुरू से मैं बताता था कि रंगमंच एस्टेब्लिश होगा तो ऑटोमेटिक रंगमंच करने वाले लोग भी एस्टेब्लिश हो जाएंगे। इसी तरह लगातार प्रक्रिया, लगातार थिएटर करता रहा। करीब 14 साल थिएटर करने के बाद जब मेरा अंतिम चांस था, मैं 30 साल का होने जा रहा था, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 30 वर्ष अंतिम उम्र सीमा थी, मैं अपने आसपास के दोस्तों को देखा कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जा रहे हैं, उनका हो गया है। उससे 2 साल पहले मेरे अंदर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को लेकर कोई ड्रीम नहीं था। मैं 14 साल रंगमंच करने के बाद जब आखिरी उम्र का पड़ाव था, मतलब इसके बाद मैं नहीं दे सकता, तो पहली बार मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का आवेदन भरा, और मैं खुद सेल्फ तैयारी करता था, क्योंकि मेरी डिक्शन अच्छी नहीं थी, मैं थोड़ा सा बचपन से तुतराता था, और उस कारण मुझे अंदर अभिनय करना चाहता था, लेकिन अभिनय को लेकर यह था कि एक अभिनेता के लिए उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसकी स्पीच होना अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब मेरे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम था कि मैं तुतराता था, तो मैंने शुरू से ही अपने को बैक स्टेज पे फोकस किया, नाटक निर्देशनों पे पढ़ना, पर्दा टांगना, लाइट करना, साउंड म्यूजिक की समझ, ये सब मैंने शुरू से कि चलो अभिनय नहीं कर सकता हूं, लेकिन रंगमंच के और जो काम है वो बेहतर से कर सकता हूं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2006 में मैंने एग्जाम दिया और मेरा एडमिशन हुआ। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता था, पहली बार एग्जाम था, उसके बाद मेरा चांस नहीं था। पहली बार मैं जब कलकत्ता सेंटर से, हमेशा हर बार 4-5 लोगों का जरूर सिलेक्शन होता था, लेकिन उस साल 2006 में वाकया देखिए कि मात्र एक ही सिलेक्शन हुआ था पहला एग्जाम में कलकत्ता सेंटर से, वो मेरा था। तो उम्मीद था कि अब तो हम लोग काउंट करते थे बिहार इतना बड़ा राज्य है, तो एक भी आदमी को तो लेना होगा एडमिशन में, लेकिन क्या होता है कि मेरा एडमिशन नहीं होता है,
मेरा सेनाट क्योंकि अगला बार एग्जाम देना नहीं था, उम्र नहीं थी मेरे पास, तो मैं लगभग भूल चुका था। लेकिन करीब 45 या 50 दिन बाद मुझे कॉल आया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कि आपको आना है यहाँ, क्योंकि आप बेटिंग वन में थे, एक लड़का किसी ने छोड़ दिया है। तो मेरा फिर वो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चला गया। शुरू से तय था मुझे कि मुझे थिएटर करना है, रंगमंच करना है, और ये भी तय था कि मुझे बेगूसराय जाकर रंगमंच करना है, क्योंकि जिस धरती पे, जिस बिहार की मिट्टी में, बेगूसराय की मिट्टी में हमें 14 साल लगातार रंगमंच करने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया, तो मुझे ये लगता था कि कम से कम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आके 14 साल थिएटर तो करना ही चाहिए। और मैं जब 2009 में पास आउट हुआ, मैं जिस दिन पास आउट हुआ सीधे मैं बेगूसराय आ गया। उस समय तो यहां पापा नौकरी करते थे, किराए के मकान में रहता था, दिन भर घर से बाहर टाउन हॉल में ही पड़ा रहता था, रंगमंच करता रहा। बेगूसराय आके फिर से दोबारा से हमने एक्सपेरिमेंटल आर्ट, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी हो गई थी, नए संस्था फैक्ट्री मंडल का निर्माण किया और नए लड़कों को जोड़ा, नए नए लड़के तैयार किए, उन्हें संगीत की समझ, संगीत म्यूजिक के लोग खोजना बहुत मुश्किल होता है, उनके भाव बहुत बड़े होते हैं, मैंने नए लड़के एकदम म्यूजिक संगीत के लिए तैयार किए। और मेरे नाटक आपने देखा होगा कि एकदम संगीतमय नाटक होता है, सब लड़के फेस। और मैंने, मेरा मकसद था कि मैं जब आया हूं तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं नए लड़के तैयार करूं। इसका आपने रिजल्ट भी देखा होगा, पिछले 2-3 साल पहले पहली बार मुझे लगता है कि बिहार से किसी एक संस्था से 2 लोगों का चयन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ, और एक शहर से तीन और वो भी जो आलोक है उसने भी मेरे साथ अच्छा काम किया लगातार। 9 इंडिया 2 नाटक था या मैकबेथ, कई नाटकों में काम किया। तो मुझे लगता था कि जिस मकसद से रंगमंच, और आगे भी नाटक करने का मकसद केवल ये नहीं है कि मैं मंच करता रहूं, मैं वाहवाही लूटता रहूं, इसके साथ मकसद है कि अच्छा इंसान तैयार करे, अच्छा आर्टिस्ट तैयार करे, और वो भी अगर दिन रात थिएटर को दे रहे हैं, दिन रात रंगमंच को कर रहे हैं, तो उनका जिनको उपार्जन भी रंगमंच से ही हो, वो कैसे आगे अपने करियर को लेकर सोचे, कैसे अपने को ग्रो करे, ये सब मकसद को लेकर रंगमंच एक मिशन के तहत लगातार कर रहा हूं। और मुझे लगता है जब रंगमंच मुझे सबसे ज्यादा जो सुख के जो पल मिलते हैं, जो सुखद क्षण होते हैं, वो मंच पे ही मिलता है या रिहर्सल प्रोसेस में मिलता है। तो किसी भी रंगमंच लगातार लगभग अब 28 साल हो चुके हैं सर, और आप भी हमारे गवाह हैं, हमने लगातार आपने मेरा सभी काम देखा है कि मैंने रंगमंच के अलावा दूसरी चीजों को प्राथमिकता कभी नहीं दिया। रंगमंच के बेहतर के लिए जो हो सकता है मैं करना चाहता हूं, और नए नए लोग रंगमंच से जुड़े कलाकार बने। बीच बीच में बहुत सारे जो एनजीओ करण हुआ, वो जो नुक्कड़ नाटक 200-250 में लोग करने लगे, कलाकारों का ह्रास भी हुआ। मैंने अपने साथ, मैं पूरा दुनिया का ठीका नहीं ले रखा हूं, लेकिन मैं अपने साथ काम करने वालों को कहता हूं कि वेट करो, इंतजार करो, और अपने को तैयार करो, अपने को प्रिपेयर करो, आपकी तैयारी ही आपको आगे ले जाएगा। तत्कालिक लोप भविष्य का नुकसान है, तत्कालिक लोकप्रियता से अच्छा है कि आप पहले अपने को बनाओ। और एक चीज मेरा, आप सर के माध्यम से, स्टॉप टीवी के माध्यम से, मैं ये पूरी तरह से अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप थिएटर को दो, थिएटर से सीखो। अब मैं अगर आपने सच में थिएटर किया है, दिल से किया है, और सच में आपने टाइम दिया, तो थिएटर आपको उसका कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। लेकिन सवाल यह है कि रंगमंच केवल आप शौक के लिए कर रहे हैं, केवल तत्कालिक कुछ पहचान हो जाए इसलिए कर रहे हैं, कुछ फिल्मों के आकर्षण में कर रहे हैं, तो रंगकर्मी होना तो बहुत आसान है, एक बार मंच पे आप एंट्री ले लेंगे आप रंगकर्मी हो गए। लेकिन सच्चा रंगकर्मी होना, रंगमंच के सही मायनों में समझना और रंगमंच को समझते हुए एक अपने को स्थापित करना, वो बहुत टफ है, और सब विधा में है, चाहे वो कोई विधा आप देख लें। तो हमें लगता है कि रंगमंच इतना आसान भी नहीं है, पूरा जीवन बीत जाता है आर्टिस्ट बनने में। रंगमंच स्टार नहीं बना सकता, रंगमंच महान जरूर बना सकता है। आपको ये सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस आसपास रहते हैं, उनसे ही कनेक्टेड आपका रंगमंच है, और रंगमंच कोई अलग से नहीं आता। हमें लगता है कि सोसाइटी से क्या मतलब, नाचने गाने वाले हैं, नहीं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उन्हीं की समस्या, उन्हीं के प्रॉब्लम लेकर रंगमंच पे आते हैं। तो अपने आसपास जो आदमी घर के सुख दुख में शामिल नहीं होगा, जो अपने आसपास के सुख दुख में शामिल नहीं होगा, उसका रंगमंच कैसा होगा? उसका रंगमंच रस विहीन होगा, और
और नाटक तो अपने नाटक साथ परंपरा में कहा जाता है कि नाटक तो रसा स्वादन है, तो जिसके जीवन में रस होगा वही तो रसा स्वादन करा पाएगा। और रस आता है आपकी संवेदनाओं से, आसपास के दुख दर्द से। अगर कोई सड़क पे दो आदमी लड़ रहा है तो उसका बचाना, बचाने की ताकत बचाएंगे, नहीं तो ये तो जरूर कंडम करेंगे कि वो गलत हो रहा है। वो जो ताकतवर है वो कमजोर को जो मार रहा है, ये मैं बताऊंगा कि ताकतवर कमजोर को नहीं मार सकता। रंगमंच यही करता है और यही मजा भी है असली रंगमंच करने का। शो मिल जाना, सम्मान मिल जाना, अवार्ड मिल जाना, ये तो पड़ाव है, वो आता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो वही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है सर, आपने भी देखा है कि शहर में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जितना अनिल पतंग को लोग जानता है, अनिल पतंग तो अरबपति नहीं है, लेकिन जितना उनका सम्मान है, कितने लोग को घर से बाहर नहीं कोई जानता, उनको सोसाइटी से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। और एक रंगकर्मी को राजनीतिक चेतना भी होना चाहिए। राजनीतिक चेतना क्या कहता है? समाज अच्छा हो, आसपास माहौल अच्छा हो, प्रेम रहे, प्रेम की बात करेंगे, नफरत के खिलाफ बात करेंगे। तो टोटल मिलाकर जो रंगमंच करने का जो असली मजा है, जिसने आज लगभग 28 साल टिका कर रखा है और आगे भी शायद अंतिम समय तक मैं रंगमंच ही करता रहूंगा, उसका मेन मजा केवल नाटक मंच पे हीरो बन जाना या ताली ले लेना मकसद नहीं रहा है। वो जो मजा है, वो जो लड़ना है अपने आप से, अपने आसपास की घटनाओं से लड़ना है, और उससे लड़कर जो मंच पे हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस सोसाइटी के सामने लाते हैं, ये बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, आपको ऐसा करना है, या हम रास्ता नहीं बताते कि ये तो बताते हैं कि ये गलत, ये सही है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। ये जो रंगमंच का मजा है, यही रंगमंच में आदमी को जोड़े लगता है। और आर्टिस्ट बनना सबसे टफ है, लेकिन अगर आप में समर्पण है, आसान रास्ता कुछ नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारी जो जर्नी है वो गांव से लेके बेगूसराय से दिनकर भवन से लेके पतंगसर से होते हुए पटना से होते हुए दिल्ली तक की जर्नी है, जमीन से जुड़ाव रहा है। हमने कई एक्सपेरिमेंटल काम किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फोक काम नहीं जानता, मैं लोक को नहीं पहचानता। आप एक रंगकर्मी के तौर पे जब लोक नहीं जानेंगे, जमीन नहीं जानेंगे, आपने चांद देखा ही नहीं है, तो चांद का इमेजिनेशन क्या करेगा, आप एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? आपने दरवाजा नहीं देखा है तो आप इमेज में दरवाजा कैसे लाएंगे? तो रियल तो समझना होगा, जमीन धरती समझना होगा। वो जो गीत गांवों में जो गीत गुनते हैं, चैता या होली के फाग होते हैं, या जो हमारे मिथिलांचल में गीत हैं, जैसे पतंगसर में जट जटिन समा चकेवा, ये सबसे जुड़ना होगा। इसी सबसे मिलके आप रस ले सकते हैं, और असली मजा रंगमंच का रस ही है। और अच्छा बुरा की पहचान रंगमंच करवाता है, इसलिए मैं रंगमंच से हूं। ये एसएससी पास करने के बाद लोग सीधे मुंबई जाते हैं प्राय, खासकर के उसमें बड़ी ये सवाल हमने पूछा था ओमपुरी जी को, यही जब आए थे तो उनसे ये सवाल किया था जो रंग अभियान में छपा भी, कि आप सीधा रंगमंच, आपके नाट्य विद्यालय ने आप पर इतना खर्च किया, आप चले गए सीधे फिल्म में नाटक को छोड़ के, तो उन्होंने कहा रोटी गिर गया। यही बात जब प्रवीण गुहा से पूछा तो कहा रोटी तो मुझे भी मिलती है, अपना बांह दिखाते हुए कहे कि देखो हम कमजोर तो मैं थोड़े हूं, और वो गए हैं चिकन के लिए, रोटी तो रंगमंच में भी मिल जाती है। तो चलिए ये बात है, लेकिन आपने मुंबई का रास्ता ना देख के सीधा बेगूसराय आके जो काम किया, जिस पर आप कुछ बातें कही भी, मैं ये जानना चाहता हूं इसका मुंबई जाने और बेगूसराय आने में क्या फर्क है। सर वो मैंने बातचीत में रखा कि बहुत लंबा समय थिएटर करके मैं एनएसडी गया था। आज के समय में तो 2 साल 2.5 साल करके लोग एनएसडी पहुंच जा रहे हैं। मैं लगातार 14 साल संघर्ष, लगातार जमीन पे जुड़ के नाटक करते हुए मैं दिल्ली गया था, और एनएसडी जाने का मकसद भी ये था कि मैं वापस आकर थिएटर करूं। मैं कभी एनएसडी जाने के बाद, क्योंकि एनएसडी जाने के बाद भी लोग अपने को तैयार करते हैं, जिनको मुंबई जाना है वो उस तरह की ट्रेनिंग में अपने को ढालते हैं, जिनको थिएटर में आना है वो उस तरह से काम करते हैं। तो मैंने कभी, मेरे दिल में आया नहीं वो थिएटर से वो कनेक्शन था, लगाव था, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मुंबई जाऊं। और पूरा फोकस हमारा रंगमंच के नए नए प्रयोग, रंगमंच की नई भाषा, रंगमंच के जो टेक्निकल पक्ष हैं, इन सब की जानने की रही। और ये जिद था, मैंने पहला इंटरव्यू में भी खुल के बोला था, जब मैं कलकत्ता इंटरव्यू देने गया था तो पूछा था आप क्या करेंगे, तो भाई रंगमंच करेंगे, आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का सिलेक्शन नहीं होगा तो मैंने तब भी रंगमंच करेंगे, लेकिन अगर मेरा रंगमंच छूट जाएगा तो इसका देनदार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय होगा। तो अब मैं
कभी मुंबई को लेकर सोचा नहीं। मेरे कई मित्र मुंबई गए, कई लोग हैं, कई दोस्त एस्टेब्लिश्ड हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे थिएटर में ही मजा आता था। या ऐसा भी नहीं था कि मैं मुंबई जाके अच्छा काम नहीं कर सकता था, मैं मुंबई भी जाके अपने हाथ साफ कर सकता था, अपना काम कर सकता था। इतना दिन तो थिएटर में दिया, एनएडी पास के लगभग 12 साल हो गए, अब तक मुंबई में भी कोई और कोई पहचान बना लेते, लेकिन मुझे कभी अफसोस भी नहीं है। और सर ने जो रोटी और ओम पुरी और चिकन की जो उदाहरण दिया, मैं थिएटर में चिकन खाता हूँ। हर थिएटर आपको धनाढ्य नहीं बना सकता, लेकिन इतना तो जरूर आप ईमानदारी से थिएटर करें। थिएटर में कई ऑप्शन है, अगर आप में प्रतिभा है और आपने देश दुनिया को पहचाना है, तो इतना तो जरूर देगा कि आपको भूखे पेट नहीं मरने देगा। आपके बाल बच्चों की, एक जो मिडिल क्लास आम आदमी की जो परवरिश होता है, ठीक है हमारा बेटा विदेश में नहीं पढ़ेगा, हमारा बेटा बेगूसराय में ही पढ़ेगा, तो ये तो थिएटर दे सकता है और देता है, इसका गवाह मैं हूं। और मैंने थिएटर के लिए जो मैंने थिएटर के लिए करता हूं, उसकी कीमत भी लेता हूं। मैं कहता हूं मेरा शो होते हैं, मैंने पैसा लेता हूं, तो जीना मुझे उसी से है। तो थिएटर को थोड़ा सा केवल जनप्रिय के अलावा थोड़ा सा कमर्शियल करने की भी जरूरत है, कमर्शलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वो जनता का डिमांड बन सके। या और सरकारी सहायता लेने में भी, अगर आप थिएटर सच्चे मन से करते हैं तो सरकारी सहायता भी ले, ये करें। कई सारे स्कीम है, कई सारे काम है, और अब तो कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, वहां पढ़ा सकते हैं। मुंबई तो है ही, थिएटर करके आप जा सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थान से जो इतना खर्च करती है, उसके बाद थिएटर को आपको योगदान देना, हम तो कहते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टूडेंट को बॉन्ड भरना चाहिए कि आपको पास होने बाद कम से कम 4 साल थिएटर करना है। आप कई बार चर्चित हुए कई कारणों से, एक तो आपके एनएसडी में जो सीधे एनएसडी के डायरेक्टर के खिलाफ आपने जो बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, संपूर्ण देश के कलाकार और लोग आपके इस गतिविधि को देख रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे, आखिर वो माजरा क्या था? नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक बड़ी संस्थान है और वहां के स्नातकों को कभी कभी तो इस तरह से ये डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, या डर पैदा किया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो कुछ भी गलत हो सही हो आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि लालच होता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो सकता है विरोध करो, काम देना बंद कर दे। मुझे हमेशा शुरू से बिलीव रहा कि मुझे नाटक करना आता है और मैं बेगूसराय में नाटक करता हूं, अब बेगूसराय में नाटक करना मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तो कुछ उस समय तत्कालीन निदेशक थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, बामन केंद्रीय, उस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभी भी है, सिस्टम तो हर जगह आप जान रहे हैं बदल नहीं गया, उसमें बहुत सारा चीजें अनडिसिप्लिन था, गलत हो रहा था, करप्शन भी थे, फेवरेटिज्म थे बहुत। आपको वहां राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक और खूबी है कि आपको डाल दिया जाता है कि प्रवीण गुंजन इस खेमा के लोग हैं, वो इस खेमा के लोग हैं, तो वहां खेमेबाजी थी, हम कलाकार हैं, हमें खेमे, हमें हम तो सबका सम्मान करते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो उस समय जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो इस्तेमाल हो रहा था, हमेशा होता आया है कम बेसी, लेकिन उसमें ज्यादा हो रहा था, तो क्योंकि मैं वहां स्टूडेंट भी रहा था, मैं स्टूडेंट रहने के दौरान वहां जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्टूडेंट यूनियन है, सेकेंड ईयर में सेक्रेटरी भी था और थर्ड ईयर में एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी था, तो मुझे वहां की चीजें कनेक्ट था, जुड़ाव था, पता था सब चीजें। तो मैंने एक आवाज उठाई, ओपन लेटर लिखा, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि कई जगह जो ऑफिस में बैठ कर तय कर लिया जाता था उसके एडवर्टाइजमेंट आने लगे, कई जो करप्शन पे मैंने सवाल उठाए थे उसके पैसे जमा किए गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में वो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फेस्टिवल वगैरह होता था उसमें डायरेक्टर के अनुसार जिसको चाहता था वो नाटक रख देते थे, तो उस घटना के बाद वहां अब वो विज्ञापन निकलता है, सब लोग आवेदन करते हैं, तो इस तरह से इन सब कमियों की ओर इशारा करना था। और यंग था, मुझे डर एक अच्छे, मतलब क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रेम था। अब जहां उसी के खिलाफ बोलते हैं जहां लगाव होता है, जहां उम्मीद रखते हैं कुछ बेहतर हो, तो उस बेहतर के लिए मैंने उनके आवाज उठाई थी। मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पे बैठा था, पुलिस भी पकड़ के ले गई थी, लेकिन बहुत इज्जत से ले गई थी और फिर सामने छोड़ दिया था। लेकिन उस घटना ने यह तो जरूर किया था कि जो जो मनमानी हो रही थी उस पे अंकुश लगाया था। यही मैं कहना चाहता हूं
कि हमें अपना अधिकार नहीं मालूम है, हम पता नहीं क्यों डर जाते हैं किसी भी गलत काम का। थिएटर अगर आप कर रहे हो और थिएटर करते हैं तो गलत काम के खिलाफ बोलने का जज्बा चाहिए, नहीं तो आपके अंदर जो तेवर है वो तेवर नहीं होगा तो आपका नाटक भी कुंदहीन होगा, कुंद होगा। नाटक तो तेवर होता है। अब नाटक में आप क्रांति की बात करते हैं, बट मैंने उस आंदोलन के दौरान फैकल्टी मीटिंग हो रही थी तो मैंने ये बात रखी थी कि आप ही ने 3 साल हमें पढ़ाया, नायक का बोध करवाया, आपने कई नाटक करवाया जिसमें आंदोलन था, क्रांति था, अब वो बाहर जाके नाटक तक ही खत्म हो जाती है आपकी ट्रेनिंग, तो बाहर क्यों नहीं होती? तो आप ही ने हमें जो सिखाया कि गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, अब नाटक ने सिखाया, मैं तो वही काम कर रहा हूं, आप ही का ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो यही सर अभी मिसिंग है पिछले 10 सालों में। आप देखेंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये नए लोगों का आलोचना नहीं, उस तरह से लोग निकल के नहीं आ रहे, क्योंकि उनका जो कनेक्टिविटी है सोसाइटी से, जो पॉलिटिकल या अपने आसपास की दुनिया से, वो ही कर जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाके पता नहीं वो किस सपने के भ्रम में जीने लगते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया तो मैं कुछ हो गया। अरे उसके बाद आपका दायित्व बढ़ता है, और सच्चा असली ट्रेनिंग का मजा तो तब है जब आप 3 साल पढ़ने के बाद आपने जो पहले किया था वो 3 साल, अब फिर आप क्या दे रहे हो सोसाइटी को, कैसे जुड़ रहे हो। तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बहुत सारे लाइटों का प्रयोग करना सीखा। मैं जानता था बेगूसराय मुझे इतना लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन कितना मिनिमम चाहिए उतना तो मुझे पकड़ में था। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, आपने जो सवाल किया कि लोग बोलते हैं मुंबई चले जाते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि थिएटर में इसलिए भी नहीं टिक पाते बहुत लोग, क्योंकि अंदर से इतने कमजोर हो चुके होते हैं 3 साल में कि वो थिएटर में जो ताकत लगना पड़ता है, जो दिन रात लगना पड़ता है, वो करने का जज्बा एनर्जी में जाके खत्म हो जा रहा है 3 साल में। 3 साल में वो चमक का धमक में वो इस तरह से वो ये हो जा रहा है कि जो संघर्ष करने की जो ताकत है, हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर आपका आर्टिस्ट बाहर निकल के काम नहीं कर रहा है तो संघर्ष करने की शक्ति को कम कर दे रहा है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को मैंने कई बार बोला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को जो संघर्षशील लोग आपके पास गए हैं उनको और मजबूत करना है, उनको और इतना तैयार करना है कि आप बाहर जाके और अच्छा काम कर सके, ना कि आप उनको इतना डरा दे कि बाहर तो बेगूसराय में इतना लाइट नहीं मिलेगा, इतना कॉस्ट्यूम के लिए पैसे नहीं, तो कैसे करोगे थिएटर? एनआईटी में तो 15-20 लाख में नाटक किए, तो सीखने के लिए सही है, लेकिन बाहर जाकर आप कैसे चीजों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे काम कर। अंतर सर आप लिख लीजिए, पैसा रंगमंच में नहीं बोलता, रंगमंच में कहानी ही बोलता है। रंगमंच में हम भारतीय, खासकर भारत में, हिंदुस्तान में लोग रोना चाहते हैं, लोग गाना सुनना चाहते हैं, लोग कहानी में बहना चाहते हैं, लोग सवाल सुनते हैं, सवाल करते हैं। हमारा रंगमंच टेक्नोलॉजी और वो तामझाम पे नहीं है हमारे, इसीलिए जो हमारी जो लोक परंपराएं हैं, अब क्या कारण है कि वो तो रात भर गाना गाते हैं अपने बहुरा गोरी या कई अलग अलग प्रदेशों में अंकिया नाच या अलग देख लीजिए, वो क्या ताकत है वो गाते हैं बंदिराज होके 2-2 घंटा एनर्जी। हमारे आज के जो एनर्जी के मॉडर्न एक्टर है, क्या वो 2 घंटा कंटिन्यू मंच पे एक्टिंग कर सकते हैं? वो लेकिन दो तो हम कहां छोड़ दे रहे हैं उन्हें। हम ठीक है, आप सीखो, टेक्निकल एस्पेक्ट आपको आना चाहिए, लेकिन भारत की जनता, हिंदुस्तान का रंगमंच, वही रंगमंच टिकेगा, वही रंगमंच करने वाला टिकेगा जिसको कहानी कहना आता हो, जिसे दर्शक को रुलाना आता हो, जिसे दर्शक को हंसाना आता हो, जो दर्शकों को अपने नाटक के संगीत में झुमा सकता हो, जो कुछ बात कह सकता हो, सवाल खड़ा कर सकता हो, दूसरा रंगमंच नहीं। आप उदाहरण देख ले, हबीब साहब का उदाहरण देख ले, हबीब तरीन का रंगमंच बाहर फ्रांस में उतना ही सराहा गया जितना गुदरगावा में सराहा गया, तो वो इसलिए ग्रेट है। परिकर साहब का रंगमंच अपने विरक्षण संस्कृत थिएटर के परंपरा लिए, वहां भी यहां भी सराहा जाएगा। तो सर रंगमंच हमेशा, रंगमंच किसी एक विशेष वर्ग के लिए जब तक होगा, जब तक रंगमंच नहीं होगा, रंगमंच को सबके लिए होना पड़ेगा। और प्रशिक्षण में ये प्रॉब्लम है कि हम उन्हें काट देते हैं, डरा देते हैं कि कैसे करेंगे हमारे। और मैंने तो हमेशा, मैंने कहा, मैंने नाटक आपने देखा है, कहानी भी होता है, गाना भी होता है, रोना भी होता है, इमोशन भी होता है, तामझाम भी होता है, सब मिक्स है। लेकिन तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षण को ओमपुरी का जो कहना, वो उनका अपना शौक था, उनको हीरो बनना था, ठीक है, वो भी भाषा है, ओमपुरी बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, उनको अपने वहां फिल्म क्योंकि बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, उन्होंने साबित किया वहां अच्छे अभिनेता के तौर पर। लेकिन केवल रोटी के लिए तो नहीं लोग मुंबई जाता, रोटी तो यहां भी मिल रहा है सर, सबसे उदाहरण तो आप भी है हमारे सामने।
आप थोड़े भूखे हैं इतना दिन से। आपने बहुत सारे नाटक किए, कुछ महत्वपूर्ण नाटकों की आप संक्षेप में चर्चा करें तो फिर आगे बात मैं करूं। शुरुआती दिनों में मैंने कई नाटक किए। मैंने पटना में एक नाटक किया था हारूस भीष्मसानी का, बेगूसराय से 2 साल के पटना शिफ्ट हुआ था और अभियान नाम के संस्था किया था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। और अभी जो मृत्युंजय प्रभाकर, अनीश अंकुर, वैसे कई लोग उसमें अभिनय कर रहे थे, सुधीर। 3 महीना प्रोफेसर संतोष कुमार एस भारती के कैंपस में उन्होंने रिहर्सल किया और कड़ाके की ठंड में वो नाटक पटना में मंचित हुआ, बहुत अच्छा लोकप्रिय हुआ, मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि उससे पहले परवेश साहब ने वो नाटक कर चुके थे, तो लोगों ने क्योंकि उस नाटक को भी देखा था, इस नाटक को भी देखा था। उस नाटक में सब इप्टा की बड़ी टीम थी, मजे हुए कलाकार थे, हमारा कच्चा टीम था, लेकिन कहानी कहने में हम ज्यादा, हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, कहानी हमने कहा। सर एक नाटक मैंने समझौता किया जो पहले मैंने ग्रुप में किया था बेगूसराय में एक थिएटर से, वो भी लोगों को पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। और वो नेशनल फेस्टिवल जो होता है उसमें पहली बार हरियाणा में वो 3रा स्थान प्राप्त किया था और पहली बार मैं बेगूसराय से कोई नाटक लेकर बाहर गया था समझौता। फिर समझौता को मैंने बाद में सोलो परफॉर्मेंस में किया, जो माननीय त्रिपाठी पास आउट है एनएसडी से, बिहार के ही है, उनको लेकर किया। उस नाटक ने देखा था, हाँ, उस नाटक ने बहुत पॉपुलर किया, उसके करीब 50-60-100 पूरे देश में हुए। उसी में मेटा का जो महिंद्रा एक्सलेंट थिएटर अवार्ड है उसी नाटक के लिए मुझे बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला, समझौता से भी लोकप्रिय है। मैंने सर एनएसडी के दौरान अंधा युग किया था डिप्लोमा प्रोडक्शन, उसकी भी बहुत चर्चा हुई थी। उस समय लोग बोलते थे कि कविता नागपाल बहुत बड़ी क्रिटिक्स थी, अगर वो किसी नाटक पर लिख दे तो लोग अपने को निर्देशक मानते थे, तो मेरा यह सौभाग्य था कविता नागपाल जैसे कई लोगों ने उस नाटक को पसंद किया, लिखा। हिंदू में पहली बार मेरा रिव्यू छपा था तो एनएसडी में वो था। अभी सर मैंने भिखारी ठाकुर का नाटक किया गबरही चोर, वो भी काफी प्रिय रहा, उसके भी करीब वो बेगूसराय के टोटल कलाकार गए लोग। और उसके बाद वो गबरही चोर था, वो भी अभी एनएसडी में, जो गबरही चोर की माँ का रोल करती थी खुशबू, वो भी एनएसडी में है। तो गबरही चोर का भी करीब हमने बहुत सारे शो किए और नाटक तो करता रहा, सब नाटक प्रिय ही होते। कुछ नाटक है जो बहुत मन से किया, काम किया। अभी एक नाटक मैंने सर, एक अनुराधा बेनीवाल करके नेशनल चेस चैंपियन है, हरियाणा की लड़की है, लंदन में रहती है, वो चेस का कोचिंग देती है, नेशनल चैंपियन रही हरियाणा जैसे गांव से कैसे निकल उसने पूरा दुनिया का भ्रमण किया, उसी पे आजादी मेरा ब्रांड करके अभी एक नाटक किया है। कथा किया सर अभी 16 तारीख को पंजाब भटिंडा में सो करके लौटा हूँ। तो ये सब कुछ नाटक है, नाटक बहुत लगातार करता ही रहा हूँ, सभी नाटक प्रिय है, लेकिन कुछ नाटक जैसे समझौता, अंधा योग, गबर की चोर, कथा, ये आजादी मेरा ब्रांड, तो अभी इसका रिस्पॉन्स देखना है कैसा आता है। तो कुल मिलाकर सर नाटक सब अच्छे ही लगते हैं और दर्शकों ने जो जिन्हें पसंद किया तो सब नाटक आपके बीच रहे हैं। नहीं, नाटक तो आपने बहुत किया, प्रशंसा भी मिली और आपको समझे देश में और बाहर भी लोग जानने लगे हैं, जानते हैं, और आपने जो आपके काम को ही जानते हैं, आप काम से ही तो नाम होता है। लेकिन अब आपकी मैंने अभी जो आपको फेलोशिप मिला, जूनियर मिला था तो उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो सीनियर फेलोशिप मिला इसको तो बधाई देते हुए, फिर एक बार बधाई देते हुए मैं जानना चाहता हूँ इस फेलोशिप के अंदर आपका प्रोजेक्ट क्या है और इससे क्या थिएटर को लाभ होगा। सर हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत दिन से मेरे साथ, किसी भी नाटक के केंद्र में कथा होती है, विदाउट कंटेंट कोई सब्जेक्ट नाटक हो नहीं सकता। और पुराने काल से लेके हमारे यहाँ कथा कहने की परंपरा रही है, तो कथा का रंगमंच मेरा विषय है फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप का। उसमें हमने कथा का रंगमंच से मतलब जो कथा की जो परंपरा रही है शुरू से, और सर बाद में भी आपने जैसे कहानी का रंगमंच कहानी रंग उसी का मैंने कथा कहानी का रंगमंच, क्योंकि उनका कॉपीराइट है तो समझिए कहानी का रंगमंच ही है। तो कथा का रंगमंच में आओ समाहित करके जो उपन्यास रूपांतरण हुए कई उपन्यासों का, कई कहानियों का, अंकुर जी का वो कहानी का रंगमंच भी एक चैप्टर है। तो इस तरह से पूरे खासकर हिंदी रंगमंच में जो प्रयोग हुए हैं कथा को लेकर, प्रेमचंद की कहानियों, इसको पूरा फोकस करते हुए कथा का रंगमंच परंपरा से प्रयोग तक हमारा शीर्षक है। और इस पे सर 4 चरणों में हमने डिवाइड कर रखा है, उसको डिटेल में काम करने की योजना है।
और ये उस बहाने कर आने वाले पीढ़ी के लिए थोड़ा अपनी परंपरा को जानने का ये होगा। चलिए आपको तो बहुत सारी बातों को समाहित कर दिया, मेरे सवाल के अलावा भी जो सवाल करता वो बात भी आप पहले डाल देते हैं। तो अब मैं आपको ये सिर्फ जानना चाहूंगा, कभी जो अब आने वाले भावी कलाकार हैं या जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्या बेहतर आप सलाह सुझाव दे सकते हैं? पहले तो सबसे पहले आप तय करें मन से कि आप नाटक करना क्यों चाहते हैं। आपकी आपका सवाल का जवाब ईमानदारी से खुद दीजिए। किसी आकर्षण में आए हैं नाटक करने, पैसा कमाने के लिए आए हैं आप रंगमंच से जुड़ने, या रंगमंच करना अच्छा लगता है इसलिए? उसके बाद खुद को उस तरह से रंगमंच के लिए जोड़िए। क्या होता है कि हम आते हैं आकर्षण में, दो सा तीन सा रंगमंच किए, कभी इधर कभी उधर भागते रहे, दौड़ते रहे, फिर बाद में हमने रंगमंच छोड़ दिया, घर के कामों में बिजी रह गए, और ये रंगमंच के लिए गंदा मैसेज आता है, उसे रंगमंच करता है बर्बाद हो चुका है, रंगमंच कुछ नहीं मिला। तो जब जो भी नए कलाकार रंगमंच में आना चाहते हैं वो पूरा फोकस होकर आए, रंगमंच केवल नाटक करना ही नहीं है, लोगों से जुड़े, पढ़ाई जरूरी है, रंगमंच को पढ़े, और आप अगर फिल्म में ही जाना चाहते हैं तो पहले आप रंगमंच, लगता है कि रंगमंच एक प्रयोगशाला है जहां मेरी ट्रेनिंग हो सकती है, मैं अपने कमजोरियों को दूर कर सकता हूं, उस मकसद से आइए फिल्म में, मतलब मकसद के लिए रखिए। आपको लगता है कि मुझे एनएचडी जाना है तो उस मकसद से आइए, आपको लगता है कि रंगमंच से मुझे समाज बदलना है उस मकसद से आइए, लेकिन मकसद आते ही क्लियर रखिए। और आपकी जो कमजोरियां हैं आपको मालूम है, अपना मूल्यांकन हम स्वयं कर सकते हैं। अगर आप अच्छा अभिनेता बनना चाहते हैं तो अभिनेता के पास क्या है, उसका शरीर और उसकी भाषा। अब इस शरीर और भाषा में जो कमजोरी आपको लगता है, आपका डिक्शन सही नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग से आप ठीक करें, लगातार उस पर काम करें। केवल नाटक मंच पे आके नाटक डायलॉग चार लाइन बोल लेना या इधर उधर भाग लेना ही अभिनेता की तैयारी नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि रंगमंच से जुड़े आए, ईमानदारी से आए रंगमंच पे। अब जिनको उपार्जन भी है, सर जब थिएटर करते थे उस समय जिनको उपार्जन नहीं था, आज बहुत समय बदला है, रंगमंच में ऑप्शन है, बस आप पे निर्भर कर सकता है। और दूसरी चीज, मानसिक रूप से समृद्ध होना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, देश दुनिया में क्या हो रहा है जानना पड़ेगा, थिएटर के टेक्निक्स, अच्छे साहित्य से जुड़ाव, अच्छे देखने की आदत डालना है। आप अच्छे पेंटिंग देखो, सौंदर्य बोध हमारा कैसे डेवलप हो, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तब एक अच्छा कलाकार बनेंगे। क्योंकि देखना, सुनना और बोलना बहुत जरूरी है। तो अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा समझ में आए। हम साहित्य क्यों पढ़ते हैं, लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं? अनुभव के लिए, कहे कि हमारा जीवन तो दिया हुआ है ना, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल लिमिट है, लेकिन एक किताब अगर प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा है, उनका जो अनुभव है, उनका लाइफ, वो आपके साथ जुड़ता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को कितना बढ़ा सकते हैं, और जो जितना जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके जो मेमोरी में कैप्चर होगा, वो उतना ही अच्छा आर्टिस्ट होगा। और रंगमंच आइए, प्रेम से आइए, बस क्लियर रखिए शुरू से कि मुझे क्यों करना है। ठगना नहीं है अपने आप को, गार्जियन को भी नहीं ठगना है। उन्हें बोलिए कि पापा मैं रंगमंच करना चाहता हूं, मैं इसमें एक्टर बनना चाहता हूं, पापा मैं रंगमंच से ये करना चाहता हूं, तो वो भी कन्विंस हो गए। अब अछूता नहीं है विधा, रंगमंच सम्मान की विधा है, रंगमंच हिम्मत वालों की विधा है। आप हिम्मत करके आइए और हिम्मत करके आप कीजिए, और बाकी हम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण कुमार गुंजन जी, आपने इतनी जबरदस्त अपनी संघर्ष यात्रा वृतांत को सुनाया जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने तमाम, कहां से आपने शुरू किया थिएटर, कैसे कैसे आप एनएसडी तक पहुंच गए पहली बार में, ये भी आपके लिए एक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, और आपके निर्देशन में कितने लोग चले गए और जाएंगे भविष्य में। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपसे भी, आप अगर कोई कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, तो आप अपने जीवन संघर्ष यात्रा वृतांत अगर स्टॉप टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, 7004839500, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है। अगर आप मेरे स्टूडियो तक नहीं आ सकते हैं तो आप जहां कहीं भी हो
इस अपने जीवन संघर्ष यात्रा का एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे इस व्हाट्सएप पर भेज दें, हम उसको भी स्टॉप टीवी पर प्रसारित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, प्रवीण जी के जीवन संघर्ष को, और प्रवीण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।